हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। आज हम गुजराती में स्टडी करेंगे हस्व ई वाला कलम। तो लास्ट वीडियो में हमने कौन सा देखा था? तो लास्ट वीडियो में हमने का मतलब कानों वाला देखा था। ओके, इसे कौन सा कहते हैं? कानों वाला कलम। ओके, तो आज हम देखेंगे हस्व वाड़ो कलम। तो यहाँ पे जैसे कि हिंदी में हमने अ आ छोटी ई बड़ी ई, वैसे गुजराती में अ आ नानी ई मोटी ई। तो अभी हम कर रहे हैं नानी ई मतलब हस्व। ओके, इसे क्या कहते हैं गुजराती में? हस्व। तो अब हम देखते हैं क से हस्व की, ख से हस्व की, ग से हस्व गी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क से हस्व की, और की से क्या होता है? के आई। ख से हस्व की, और खी से के एच आई। ग से हस्व गी, गी से जी एच आई। घ से हस्व घी, और घी से सॉरी यहाँ पे घी मतलब जी एच, सिर्फ जी और आई आएगा। ओके, और घी से जी एच आई। घी से क्या होता है? तो जी आई, और घी से जी एच आई। और ची मतलब च से रस्व, सॉरी च से हस्व ची। तो ची से सी एच आई ची। छ से हस्व छी, तो सी डबल एच आई छी। झ से हस्व झी, झी से जे आई जी। ज से हस्व जी, जी से जेड आई। ज के बाद क्या आता है? ट। ट से हस्व टी, तो टी से टी आई। ठ से हस्व ठी, तो ठी से क्या आता है? टी एच आई ठी। ड से हस्व डी, डी से डी आई डी। फिर है ढी मतलब ढ, ढ से हस्व ढी, तो ढी से डी एच आई डी। फिर है ल, ण से हस्व णी, तो णी से एन आई। फिर है त, त से हस्व ती, ती से टी आई। फिर है थ, थ से हस्व थी, टी एच आई थी। फिर है द, द से हस्व दी, तो दी से डी आई। फिर द के बाद क्या आता है? ध, ध से हस्व दी, तो दी से क्या होता है? डी एच आई दी। ओके, ध के बाद न, न से हस्व नी, और नी से एन आई। फिर है प, प से हस्व पी, पी से पी आई। फिर है फ, फ से हस्व फी, फी से एफ आई फी। फिर है ब, ब से हस्व बी, बी से बी आई। भ, भ से हस्व भी, तो भी से बी एच आई भी। फिर है म, म से हस्व मी, और मी से एम आई मी। फिर है य, य से हस्व यी, यी से वाई आई यी। फिर है र, र से हस्व री, तो री से आर आई री। फिर है ल, ल से हस्व ली, ली से एल आई। फिर है व, व से हस्व वी,
वी आई, फिर है सौ, सौ से हस्व शी, तो सी से एस एच आई शे, फिर है क्ष, तो क्ष से हस्व शी, और शी का भी वैसे ही होता है जो आगे हमने देखा एस एच आई, ये वाली स और ये श दोनों का सेम ही होता है एस एच आई शी और शी, फिर है स, स से हस्व सी, सी का एस आई, फिर है ह, ह से हस्व ही एच आई, फिर है ण, ण से हस्व णी, तो उसका क्या होता है एल आई ली, ओके, फिर है क्ष, क्ष से हस्व ही, सॉरी क्ष से हस्व क्षी, और क्षी का क्या होगा के एस एच आई क्षी, फिर है घ्न, घ्न से हस्व घ्नी जी एन आई घ्नी, ओके, तो ये हो गया। क से कौन सी मात्रा है हस्व की, इसे क्या कहते हैं हस्व, और ये नानी ई, जैसे कि हिंदी में हमने देखा था छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, वैसे गुजराती में अ आ नानी ई मोटी ई, तो जो छोटी ई उसे क्या कहते हैं हस्व, तो जो हमने ये किया है उसे कहते हैं हस्व, तो क से हस्व की, क ख से हस्व खी, ग से हस्व गी, तो ये हमने देख लिया क से लेके गिनी तक, तो यहाँ पे लिख देते हमने कौन सा देखा, तो क से लेके हमने देखा गनी जी एन आई, ओके, तो हमने की से लेके गनी तक देख लिया, तो अब हम देखते हैं उसके सिंपल वर्ड्स जो हस्व वाले हैं, तो पहले टू लेटर्स, फिर थ्री लेटर्स एंड फोर लेटर्स, तो स से हस्व वाला सी, और ये सिंपल लेटर है व, तो पूरा लेटर क्या हम लर्न करेंगे सी व सीव, य यतिस्नो य, त से हस्व ती य ती, स से हस्व शी और र सी र, व से हस्व वी, ध से हस्व धी वी धी, ह हरण ह, र से हस्व री ह री, ओके, तो ये टू लेटर हो गए, फिर से लिखते हैं सी व य ती सी र वी धी ह री, ओके, अब देखते हैं थ्री लेटर, व से हस्व वी, म से कानो मा, कानो मात्र मा न वी मा न विमान, क से हस्व की, न से कानो मात्र ना, र से कानो मात्र रा की ना रा, फिर है द से हस्व दी व स दी व स, व से हस्व मात्र, व से हस्व मात्र वी, च से कानो मात्र चा और र वी चा र, फिर है म, ह से हस्व की मात्रा ही और न से कानों की मात्रा ना म ही ना, ओके, तो ये थ्री लेटर देख लिए वी मा न की नारा दिवस विचार और महीना, अब देखते हैं फोर लेटर वर्ड्स, व से हस्व की मात्रा वी ला य त विलायत, फिर है र, व से हस्व की मात्रा वी वा र र वी वा र, फिर है ग से हस्व की मात्रा गी र ना र गिरनार, फिर है ज से हस्व की मात्रा जी ना ल य जीनालय, फिर है व से हस्व की मात्रा वी ना य क विनायक, फिर से देखते हैं विलायत रविवार गिरनार छीना लय विना य, तो ये हमने कौन से वाले शब्द देखे, तो ये हमने नानी ई मतलब हस्व ई वाले शब्द देखे, और ये हमने कौन से देखे,
तो हस्व ई वाले कलम देखे जो हमने की से लेके गिनी तक, तो फिर से एक बार बोल लेते हैं, की खी गी घी ची छी जी जी, और ज के बाद क्या आता है ट, मतलब टी ठी डी ढी णी ती थी दी, फिर आता है धी नी पी फी बी भी मी यी, य के बाद र मतलब री ली वी सी क्षी सी ही णी क्षी और नी। तो हमने कौन से कलम देखे, तो हमने हस्व ई वाले कलम देखे। तो आपको ये जो हस्व ई वाले वर्ड्स है, मतलब जो ये सिंपल वर्ड्स है वो, और ये जो हमने कलम देखी वो आपको लिख के और लर्न करनी है। और आगे के वीडियो में हम बड़ी ई, ओके, ये हमने हस्व वाली देखी, अब हम आगे की जो होगी कलम वो हम बड़ी ई वाली कलम देखेंगे। तब तक ये आपको हस्व ई वाले कलम और ये शब्द आपको लिख के लर्न करने हैं।